बांदा जिले के लामा गांव के लोगों का आरोप है कि बीपीएल सूची में नाम होने के बाद भी सचिव आवास के लिए 2 से 5 हज़ार रुपये मांग रहे हैं, जो नहीं देता उसे आवास नहीं देते। सचिव प्रेम देवी ने लोगों के आरोपों को गलत बताया है। उनके अनुसार अभी 120 इंदिरा आवास और 10 लोहिया आवास आए हैं और सूची के आधार पर लोगों को आवास दिया जा रहा है। बस हम कहा लिए गाड़ी कलोनी उलोनी मिल जाता हम उनका बरेली मई चढ़ के छाउ हमें नहीं लोग कुछ आवाज पैसा हजार मांग हमने जो भोजन के ठिकाना में तो कहा माओ तो कहा मिला उन्होंने पैसा मान लिया। अब जब मांग रहे हैं तो अब नहीं हमारे पास है नहीं है, फिर अफवाह सगले फैली है कि मांगने के लाने तो आगे हमारा भी नहीं वो बन पा रहा है। 10 हज़ार है, 20 हज़ार है, ऐसे मांग रहे हैं तो फिर आगे की गुंजाइश ही नहीं है। जब सबसे मांग रहे हैं तो फिर हम कौन से दे पाएंगे? हम ये तो पढ़े हैं, ये तो फिर कम से कम सब कुछ है, पहले 10 हज़ार मांगे थे, फिर निकाल नहीं देगा, 50 हज़ार मांगे नहीं दिया हमारे पैसे नहीं तो कहाँ से प्राप्त होंगे। आप ऐसे चुनाव कहा कि तोरी कॉलोनी आवे थी, आज तक नहीं आई, 3 साल से कहा थी कि तो कॉलोनी आवे। सचू प्रेम सिंह मांगत रही है, हमारा स्वागत और कैसे नहीं दिया, वोट तो सबका दे थे, न को सुना है न जाना है न इधर राशन कार्ड का बोला तो तेल नहीं मिला था हुआ नहीं हमसे कॉलोनी मारे जो पास पर 50 हज़ार रहो है तो बड़े दे दिन है तो वही का बन गया हमारे ने आप कहाँ पर 50 हज़ार मेरे खुले बुलाते खाते हैं इनको जाते हैं प्रधान के पास प्रधान के बिचार नहीं जाता है मेरा सचिव उनसे पैसे मांग रहा 50 हज़ार तो तुम्हारे पास प्रधान के सचिव देने के लिए पैसा और लगते तुम्हारे से तुम्हें हम बना लेते हैं तो क्या करें बाढ़ की बनाए घर की भी रुक नहीं तो सुनता है वैसे बनाते खाते हैं किसी तरह खुले में रहते हैं। 8 हज़ार में कितने लोग होंगे हमारे यहाँ हमारे खुद 3 चार घर हैं हम खुले में रह रहे हैं दूसरे को हम क्या बताए गरीब आदमी हम किसके पास जाएंगे जब जब जीत जाते तो कोई नहीं सुनता है। पहले तो हमारे यहाँ हाथ जोड़ते हैं तो बाद खुद हाथ जोड़ते हैं हमसे कोई नहीं सुनता हमारे तो हम क्या करें